Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Raju, tu? Kaun Raju? Kaisa Raju? Pushpa Raj. Jhukega nahi saala. Jhukega nahi, pitega zarur tu aaj. Ye jo tu... Sohail bhai, pehchana hai aapne? 8 number. Aachi. कर लो फिर वापस। एक तो मैं इतनी गेटअप लेके आया हूँ, आते रजू रजू, उनको पता, सबको लग रहा था कि सीसीएल में अलू अर्जुन है नहीं, ये कहाँ से आ गया। आप कसम से जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसकी कसम खा के बताइए, ये लगता है कहीं से अल्लू अर्जुन। तुझे पता है सोनू पाजी को पहली बार गिल्ट हो रहा है, कहते मैंने इतने लोगों को घर छोड़ा जिसको छोड़ना चाहिए था। मुंबई में घूम रहा है। क्यों मुझे सोनू भैया मतलब अमृतसर छोड़ के आएंगे? अभी मुंबई को जरूरत है मेरी। मुंबई को? तेरी मम्मी को तेरी जरूरत नहीं है। तू आपको पता है जब ये पैदा हुआ, सुधीर भाई, when he was born, डॉक्टर ने 20,000 का बिल दिया। इसके पिताजी कहते आप मुझे 15,000 दो, ये आप रख लो। ये बोल रहा है जरूरत है मेरी। डॉक्टर बोलता है इसको अभी ले जाइए, जब 21 साल का होगा तब लेके आना। कहते क्यों? कहते मैं पीटना है इसको। जब इसकी डिलीवरी लेके माँ बाप घर गए ना, तो इसके डैडी मम्मी को बोल रहे हैं, देख मोहल्ले में जाके बोलेंगे, इल्जाम डॉक्टर पे लगा देंगे कि उसकी पहली डिलीवरी थी, खराब हो गया केस। इसकी किस्मत ही इतनी खराब है, ये ना कुछ भी करता खराब हो जाता काम। और कुछ बोल लो। बोल, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, तू भी अपना काम कर, पैसे लिए नहीं तूने? शर्म कर भाई, कभी तो दोस्त दोस्त के काम आने चाहिए। तू भी तो काम आ कभी मेरे, तू भी तो दोस्ती है। तो आता तो हूँ रोज 10 मिनट। ये तो तू अपने काम आता है, मेरे काम आ कभी। काम मतलब ये होता कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और सामने से तू आए और तू कहे कि भाई मेरी बगल में पंक्चर की दुकान है, इधर आ जा। तू ऐसा ऐसे वाले काम आ। मेरी पंक्चर की दुकान क्यों होगी? मैं वैसे आके तेरी हेल्प करूंगा। चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंक्चर हुई और तू सामने से आए और मैं तुझे कहूँ कि ये कोई टाइम है दुकान खोलने का? लोग पंचर लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं। यार तू मेरी पंचर की दुकान खुलवाने में तुला हुआ है, मैं गाड़ी में भी तो आ सकता हूँ। चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंचर हुई है और तू आ रहा है गाड़ी में। गाड़ी में और तूने ब्रेक मारी तो उतर के ही चाबी निकाल के एक बंदे को दी और कहा कि साहब आपका पंचर लग गया है। मेरे पास है, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, आऊंगा और तुम्हारी गाड़ी पंचर होगी, मैं बोलूंगा आओ कपू शर्मा, अर्चना जी बैठो मेरी गाड़ी में, आपको छोड़ के आता हूं। अर्चना जी कहां से आ गई बीच में? यार जब तुम्हारी गाड़ी पंचर है तो उनकी चलनी है। देख रिस्पेक्ट किया अगर मेरी थोड़ी सी। रिस्पेक्ट तेरी ससुराल वाले नहीं करते। दमाद जाता है ससुराल में, लोग मुर्गा बनाते हैं, इसके ससुराल वाले इसी को मुर्गा बनाते हैं। चलो मुर्गा बन, तो इधर क्या करना है। अच्छा जब ये ससुराल जाते हैं सबसे पहले इनका फोन छीन लेते हैं। कहते दाल में भी नमक कम निकला है ना, तो पता नहीं इसने ट्वीट कर देना। ये लड़की देखने गया, लड़की ऐसे खड़ी होगी, कहते बेटे शर्माओ मत, लड़का देखो। कहते मैंने देख लिया है इसलिए मुंह नीचे किया है मैंने। एक बार तो और भी बुरा हुआ, ये लड़की देखने गया, लड़की चाय लेके आई, कहती लड़का कहाँ? कहते ये बैठा है। कहती ये? उसने चाय पी, कहती एक बार तो और बुरा हुआ, एक लड़की आई चाय लेके, कहती कौन लड़का? कहती ये एक बैठा। कहती ये? कहती चल बे। देख ले और कोई तेरे पड़ोस की लड़की रह गई हो जिसको मैंने देखना है। आज बना क्या हुआ था? सच्ची पुष्पा बना है? तू पुष्पा नहीं, कसम से तू लग रहा है थूका हुआ गुटखा लग रहा है। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? फायर एंड फायर। पहले तो तू ना कंधा सीधा कर, तू सीधा ही नहीं बर्दाश्त होता और तू टेढ़ा हो दिखा रहा है हमें। इतना अच्छा लग रहा था जब तक मैं बाहर था, KGF के स्टार बाहर बैठे हैं, वो मेरे को पहचान नहीं पाए, तू आके राजू 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 है। हाँ सीरियसली? हाँ सीरियसली बता रहा हूँ। बुला कहाँ है KGF स्टार? ओ पाजी आए जरा। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी।
सलाम रॉकी भाई। सलाम सलाम सलाम। ये लो मेरी गाड़ी पीछे लगा दे। पुष्पराज गाड़ी पीछे नहीं लगाएगा। ओ अच्छा तो फिर आगे लगा देना। क्या बात है, इतना बड़े बड़े स्टार्स लोग आए हैं, ऑडियंस और अर्चना जी नहीं आए। अपने थोड़े बाल हटाएं तो आपको कुछ नजर आए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे को CCL में खेलने का है, I want to be selected. इसीलिए हुआ क्या, मैं अपने घर में बैठा था, मैं वहां पे कूदा ही शुरू कर दिया, मैं कोतरा 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 कोतरा, और 100 मीटर नीचे मैंने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जमीन के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? वो क्या, मेरा घर 10th फ्लोर पे है ना। तो मैं कोतरा 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 कोतरा, और मेरे सोसाइटी का प्लेग्राउंड आया ना उधर। ओ भाई साहब, ऐसे इधर सिलेक्शन नहीं होना। मैंने सिलेक्शन के लिए एक और आदमी को बुला रखा है। बीच में शाहरुख खान आ गए। देख भी टैलेंट कितना है, पुष्पा के अंदर से भी शाहरुख खान आया है। अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम। प्रणाम 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 प्रणाम। बाबू इतना प्रणाम तो हमने चुनाव में नहीं किया जो यहाँ कर दिया। अरे महाराज, बाबू मनोज भैया आए हैं। मेरा हुआ आवाज तो गर्दा मचेगा। आप दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों में हमें एक चीज बहुत पसंद है। क्या? मैं खुद रवि किशन। ऐसे क्यों खड़े हो बाबू, हमारा पैर छुओ। पुष्पराज झुकेगा नहीं साल। ए बाबू, साला काहे नहीं झुकेगा, साला को झुकना पड़ेगा तभी बहन का घर बसेगा। तू समझा करो, पुष्पा झुके न झुके लेकिन साला झुकेगा साला। एक मिनट, मेरे को ऑब्जेक्शन है। अगर कभी मैं साला बना तो मैं कभी नहीं झुकेगा। अगर जीजा मेरे को बोलेगा झुको तो मैं जमीन में कोतरेगा 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 कोतरेगा, और मैं जमीन में नीचे जाके खड़ा होएगा, और वो मेरे को बोलेगा ए रॉकी, मैं बोलेगा नन्ना नन्ना रे नरे नन्ना, वो खुद झुकेगा मेरे को देखने के लिए। ए रॉकी। क्या बात है बाबू, अद्भुत क्या बात बोलते हैं आप। लेकिन बाबू इतनी बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आपने फुल स्लीव की दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल रखी है आपने, इतना एक तरफ झोटा काट लिए हैं। ऐसे लग रहा है कि घर पे नई नवेली दुल्हन आके घूंघट काढ़ी हुई है। एक मिनट, बारी बाजार में मेरी बेइज्जती की तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को मैं नहीं, एक ही इंसान चुप कर सकता है। कौन है बाबू, बुलाओ कौन है, हवा हमको कौन चुप कराएगा? आखिर वो कौन है? वो है बम्बई से फोन बाड़े। ए, ए बाबू, मनोज भैया की आवाज हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे दिल से डरते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना, तुम समझ में आए तुमको? तो फिर मेरे को CCL में सिलेक्ट करवाएगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, भाग यहाँ से। ठीक है प्लीज, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनका आवाज भी निकले गाने पर निकाल, आप मेरे को प्लीज सिलेक्ट कर लो, मेरे पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी है। क्या है बताओ? जब भी मैं अपना ड्रेसिंग रूम में बैठेगा ना, मैं अपना ड्रेसिंग रूम का जमीन कोत जाएगा कोत जाएगा कोत जाएगा कोत जाएगा, और सामने वाले टीम का ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलेगा, मैं उन लोगों का सारा स्ट्रेटजी सुन लेगा और उनके अगेंस्ट प्ले करेगा। बाबू कुछ भी कर रहा, लेकिन
आप खोदते रहना, लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम में नहीं आना, क्योंकि हमारी टीम धोती पहन के खड़ी रहती है। मेरे पास एक प्लान है, चंदन की लकड़ी का बैट बनाऊंगा और दूसरी टीम को गिफ्ट करूंगा, फिर पुलिस का छापा पड़वाऊंगा, वो अंदर हम विनर। ये लगता है हम लोग का आइडिया अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई। सोच रहे कौन सी रिश्ते वाली गाली दे कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। क्या ये तुम लोग क्रिकेट विकेट छोड़ो, एक काम करो, हमारे टीम में आप चीयर्स लीडर बन जाओ। क्या अंडरग्राउंड माइंस का इतना बड़ा मालिक, सोने की खदान है मेरी, मैं रॉकी भाई, मैं चीयर लीडर बनेगा तेरे सामने। पुष्पा राज चीयर लीडर नहीं बनेगा साल। बाबू एक दिन का 15,000 मिलेगा। 15,000 का लालच दे रहा है। हाँ ये तैयार है। ये आप लोग को ये चीयर लीडर कैसी लगी? आप कहे तो क्लीन शेप करवा के लेके आए। आप लोग क्रिकेट की तैयारी कीजिए, हमको सिखाते हैं। ला इधर ला, ऐसे करना चाहिए। सुधीर, जब आप भी लास्ट टाइम आए थे उस समय हमारे शो पे ये सेगमेंट नहीं था। आप जो पिक्चर्स अपने फैंस के लिए डालते हैं उसके नीचे कमेंट्स लोग बड़े मजेदार करते हैं। इफ यू वांट टू कम हियर सुधीर, यू कैन कम हियर। यहां से आपको क्लियर दिखेगा। जी दिखाइए। ये मनोज भैया ने पहला फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे यार कमेंट्स मत पढ़ो। नहीं ऐसा नहीं सर, इन डेटिंग एप्स के चक्कर में मत पड़ो, ये पहले राइट स्वाइप कराते हैं फिर कार्ड स्वाइप। YouTube पे अपने ही गाने को बार बार प्ले करके उसके व्यूज बढ़ाते हुए, जब कोई सुंदर लड़की फॉलोअर बन जाए तो बंदा चुपचाप से उसका प्रोफाइल चेक करता है। अब देखो लोग क्या क्या लिखते हैं। और दिखाइए। आदमी ज्यादा महंगा चश्मा खरीद ले तो घर में भी पहन के रहता है। और दिखाइए। सोनू भाई ने फोटो डाला है, ऑल दे वांटेड वाज़ द लिफ्ट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई ज्यादा देर ये वाली एक्सरसाइज मत करना, आपकी तो बॉडी बन जाएगी लेकिन हो सकता है इनका परिवार ना बने। दो कमजोर लोगों को जिम से घर छोड़ने जाते सोनू सूद। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये कह रहे हैं हम यही काम करते हैं, हमें घर मत छोड़ो। और दिखाइए। भाई ध्यान से इन दोनों को बराबर बराबर रोटी खिलाना, वरना आपके डोले छोटे बड़े हो जाएंगे। और आगे दिखाइए। सोहेल भाई ने फोटो डाला, ट्रेवलिंग विद द फ्रीकी गाइस। अच्छा है, उसकी प्रमोशन के लिए फ्रीकी अली हैदराबाद, हियर वी कम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। नवाज भाई के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये डिनर का सोच के आए थे, सोहेल भाई ने चाय में निपटा दिया। सोहेल भाई अगर 6 दिन भूखे रहे तो अरबाज भाई जितने हो सकते हैं, और अगर 2 साल भूखे रहे तो नवाज भाई जितने हो सकते हैं। नवाज भी लाइक, मैंने वैसे ही हाफ बिरयानी ऑर्डर की थी, ऊपर से ये दोनों और आ गए। और दिखाइए। दिनेश भैया ने फोटो डाला, फिल्म से लेके राजनीति तक हर कदम मेरा मार्गदर्शन करने वाले बड़े भैया को जन्मदिन की अनंत बधाई। ये आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। ये टेंशन में है कि डिलीवरी वाला जब तक आएगा चखना ना खत्म हो जाए। इनको किसी प्रोड्यूसर ने इंग्लिश में मैसेज किया है, ये उसी को समझने के लिए भैया का मार्गदर्शन ले रहे हैं। और दिखाइए। जीशु भाई ने ये फोटो डाला है, कमेंट्स दिखाइए। जब बीवी का एयरपोर्ट से मैसेज आए, बेबी आई एम टेकिंग ऑफ।
सुबह सुबह ये जो रोमांटिक स्क्रिप्ट साइन करके आए हैं उसी के सीन्स इमेजिन करके मुस्कुरा रहे हैं। और दिखाइए, निंजा ने फोटो डाला, डोंट बी ए टूरिस्ट बी ए ट्रेवलर। कमेंट्स दिखाइए। आदमी घूमने कहीं नहीं जाता लेकिन एक पे एक सूटकेस फ्री मिलता है तो पहले ले लेता है। निंजा के हाथ में हमेशा दो तलवार देखी है, दो सूटकेस वाला निंजा पहली बार देखा है। इन्हें किसी ने बताया सोनू सूद की बस यहीं से गुजरेगी इसलिए इंतजार कर रहे हैं। और दिखाइए आगे, ये बीनू पाजी ने फोटो डाला, लॉकडाउन खुलन दी खुशी, पंजाबी में लिखा है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, लॉकडाउन खुलन दी खुशी या ठेके खुलन दी खुशी। जब वेजिटेरियन शादी में कोई आके बोले चल पार्किंग में मेरी गाड़ी में सामान पड़ा है। गुग्गी पाजी बोल रहे हैं टेंशन ना ले, बैंड वालों ने तेरे जैसी ड्रेस नहीं पहनी है। और दिखाइए, सुधीर बाबू ने फोटो डाला है, फ्यू स्निपेट्स ऑफ माय नेक्स्ट। स्निपेट्स क्या होता है सुधीर बाबू? What is snippet? Small little pieces of. Okay. मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने अंडे डिजाइन कर दिए हैं, अब देखना अलग अलग कलर के मुर्गे निकलेंगे। सर प्लीज आपका नाम चेंज करो, मेरी गर्लफ्रेंड आपको बाबू बाबू बोलती है, मुझे जलन होती है। सर आप अच्छा पेंट करते हो, हैदराबाद में मेरा 4 BHK है, आप पेंट कर दोगे? और दिखाइए, गोल्डन स्टार गणेश ने फोटो डाला, द सीक्रेट टू ए वेल बैलेंस्ड लाइफ इज ए कप ऑफ टी इन वन हैंड एंड ए बुक इन द अदर, टी एंड बुक्स। गणेश ये का क्या मतलब था? बेडरूम। आइए देखते नीचे कॉमेंट्स, आपकी बनियान देख के लग रहा है ये घर आपका नहीं है। सही कहा सर, जब तक चाय हाथ में है तब तक ही लाइफ बैलेंस रहती है, बॉटल हाथ में आती है तो बैलेंस बिगड़ने लगता है। मालिक घर पे ना हो तो मैं भी उनके गद्दे पे ऐसे ही आराम करता हूँ। और दिखाइए, ओहो जीवा सर ने फोटो डाला है, और मेरे को जीवा सर क्या लिखा आपने ऊपर? इट्स पट्टा बागियम पढ़ लेना ले गियम। ओह अच्छा, क्या मतलब? हिट आउट और गेट आउट। ओके वाओ नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, सर सुपर हीरो बनकर आप दुनिया को तो बचा लोगे पर लाल कपड़े देख के सांड पीछे लग गया तो आपको कौन बचाएगा? जनहित में सूचना, पब्लिक अनाउंसमेंट, सफेद पेंट के अंदर काला अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए, बाहर से दिखता है। मैच में जल्दी आउट होने के बाद बच्चों को जादू दिखाते हुए। और दिखाइए, धन्यवाद। अरे बाप रे, सोहेल जी कैसे हैं आप? नीरव और रिक्शा वाला भी आया है। सर आप तो अभी सांसद हो गए हैं ना, तो रिक्शा के ऊपर लाल बत्ती आ गया होगा। लाल बत्ती हट गई। हट गए? लाल बत्ती गई अपने घरे। मनोज जी कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया बानी, आपके देख के खुश हो गए नी। हम भी, हम बहुत क्यूट हैं। पर यहाँ पे आके ना आपको थोड़ा छेड़ने का दिल कर रहा है, छेड़ सकते हैं? छेड़ दे। छेड़ दो। मनोज जी हम आपको बता रहे हैं कि रवि किशन हमारे फेवरेट इंसान हैं। जिंदगी छंडवा फिर भी घमंडवा हमारा फेवरेट लाइन है। मजाक कर रहे हैं सर, खाली छेड़ रहे हैं। ही रिंकिया के पापा भी अच्छा लगता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Click the show links and enjoy watching the videos.